जी हाँ, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र की पार्टियों का दबदबा देखने को मिला है। आपको बता दें कि नागालैंड में हुए विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र की RPI और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। शरद पवार और रामदास अठावले की पार्टी ने यहां बड़ी कामयाबी हासिल की है। नागालैंड में NCP ने जहां 7 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा दिखाया है, तो वहीं RPI ने भी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि रामदास अठावले की पार्टी RPI को पहली बार महाराष्ट्र के बाहर कामयाबी मिली है और अब 2 विधायक उसके नागालैंड में होंगे। रामदास अठावले के कार्यकर्ताओं ने इस जीत पर जमकर जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो पूर्वोत्तर में हुए विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र की पार्टियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें NCP ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं RPI ने 2 सीटों पर कब्जा बनाया है। इसके अलावा कांग्रेस के लिए बेहद चौंकाने वाला जो नतीजा आया है, कांग्रेस का 3 ही राज्यों में एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया है।